हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन गार्डनिंग। तो आज मैं आपको कुछ शो करूँगा समर्स के कुछ प्लांट जो मैं लेके आया हूँ नर्सरी से। ये देखिए, ये पर्सनल, ये लेंटेना का प्लांट है और इधर भी है कुछ। ये कोचिया, सॉरी कोचिया ये है, ये कोलियस अलग शेड वाला। इसका मैं फ़िलहाल में दो प्लांट और भी लेके आया था, वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। ये इसका कलर मुझे थोड़ा काफ़ी डिफरेंट लगा तो इसको भी ले लिया मैंने। तो बात करते हैं इनके प्राइसिंग और इनके नेमिंग की, तो स्टार्ट करते हैं इससे। जैसे कि फूल को देख कर आपको पता लग रहा होगा कि सनफ्लावर है। सनफ्लावर जो है समर्स का बहुत ही अच्छा हीट टॉलरेंट प्लांट है और इसे धूप बहुत अच्छी लगती है। ये फुल डे सन में सर्वाइव कर जाता है। अभी इसमें एक ही फ्लावर लगा है, मे बी और भी लगेंगे अभी। और ये देखिए, यहाँ से इसकी न्यू शूट्स भी आ रही हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपको दिख रही होंगी, तो ये हमारा जो प्लांट है हीट टॉलरेंट है। ये मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का। अगर बड़ा प्लांट होता तो मे बी 50 या 60 का होता, ये अभी छोटा सा प्लांट है। इसकी लीफ मैंने तोड़ दी क्योंकि इसके लीफ में थोड़े इंसेक्ट्स लग गए थे, लीफ में थोड़े छेद हो गए थे। वैसे है ये बहुत ब्यूटीफुल प्लांट, अभी ये फूल पूरा मैच्योर नहीं हुआ। ये मैच्योर होगा तो थोड़ा और साइज़ में इंक्रीज़ होगा, मे बी मेरे पाम का हाफ हो जाए। तो आप भी इसे ज़रूर लेके आएँ, समर्स में लगाएं। तो नेक्स्ट प्लांट जो है वो है हमारा ये, कोलियस। कोलियस जो है वो भी समर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये पूरे समर्स और विंटर में ग्रो करता, सॉरी समर्स एंड पूरे रेनी सीजन में ग्रो करता है। इसकी पत्ती थोड़ी डल सी हुई टूट गई है, वो सारे पौधे इकट्ठे रखते हैं ना, तो शायद उसकी वजह से हो गया होगा। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, देखिए कितना प्यारा कलर है, पर्पल लाइट पिंक क्रीम ग्रीन सब मिक्स कलर हैं। और अगर आप ये प्लांट नहीं लेके आना चाहते और किसी फ्रेंड या फिर कहीं पे गार्डन में किसी के लगा हो, तो आप वहाँ से बस कुछ नहीं, इसकी छोटी छोटी कटिंग्स ले आइए, सॉफ्ट कटिंग लेके आइए, इसकी हार्ड वाली नहीं, सॉफ्ट कटिंग इसी ये वाली। इतनी इतनी कटिंग आप 2-2 इंच की या 3-3 इंच की कटिंग लेके आएँ और इसे ग्रो कर लें। मैंने भी कटिंग ग्रो करके रखी हुई है, वो ग्रो भी हो गई हैं, मैं उसे आपको दिखाऊंगा। ये भी काफ़ी समझ का काफ़ी अच्छा प्लांट है। ये जब बुशी लुक हो जाता है इसका तो बहुत बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उस टाइम इसकी लीव शाइनिंग कर रही होती हैं। और स्पेशली ये ग्रो करता है हमारा, मतलब ग्रो तो ये पूरे फुल मतलब पूरे साल करता है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो ग्रोथ होती है इसकी समर्स एंड रेनी सीजन में होती है। ये थोड़ा मतलब विंटर में थोड़ा डल सा हो जाता है, रीशेप हो जाता है। और जब ये डल होने लगे या फिर रीशेप होने लगे, सॉरी डी शेप होने लगे, तो इसको शेप में लाने के लिए क्या करें, इसकी कटिंग्स लगा लें। इसके प्लांट्स की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग निकाल के दूसरे पॉट में लगा लीजिए, और जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो उसे उसमें जिसमें आपका प्लांट था उसमें शिफ्ट कर लें। क्योंकि ये जो पौधा है जब डी शेप हो जाता है तो वो मरने लगता है, तो इससे पहले कि आपका प्लांट मर के ख़त्म हो जाए, आप उसी में से उसकी कटिंग लीजिए, काट के उसे लगा दीजिए। 10 दिन के अंदर वो ग्रो कर जाएगा, उसमें न्यू लीव्स न्यू स्प्राउट्स आने लग जाएंगे और आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। आपको नया प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट प्लांट की बात करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्लांट आप इधर आ जाइए, ये मैंने
ट्रे में रखी हुई है प्लास्टिक की। ये जो प्लांट आपके सामने, इसमें कितने पहले फूल देखिए आप इसके, कितने सुंदर सुंदर छोटे छोटे पिंक कलर के फूल हैं। तो इस प्लांट का नाम है पर्सलिन, ये मोजरोज की वैरायटी है और ये आपको बहुत सारे मल्टी शेड्स में, कलर्स में मिल जाएंगे। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसके, आपके फूल येलो, रेड, पिंक, वाइट, बहुत सारे शेड्स और कलर्स में मिल जाएंगे। ये भी समर्स का बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा ग्रो करने वाला प्लांट है। इसकी भी आपको कहीं से कटिंग्स मिल जाएं किसी गार्डन या पार्क से, तो इसकी भी आप इतनी इतनी कटिंग ला के अपने गार्डन में लगा लीजिए। ये भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। अभी तो मेरा ये पॉली बैग में रखा हुआ है। मुझे इन तीन प्लांट्स को मैं पहले लेके आया था, तो मुझे इनको शिफ्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने इसमें रखा रहा। उसकी वजह से ये थोड़े डल से हो गए हैं, देखिए ये प्लांट भी। और ये वाला तो देखिए तो बर्न हो गया है। कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, आई थिंक 40+ टेम्परेचर हो गया था, 40+ डिग्री हो गया था। और ये ट्रे में था और ट्रे में पानी भी नहीं था, ड्राई हो गया था, इस वजह से थोड़ा डल हो गया। इसके देखिए फूल भी सूख गए हैं। इस प्लांट का मुझे वैसे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस सीज़न में आप समर्स में आप पर्सनली भी ग्रो कीजिए, ये काफ़ी, ये भी हीट टॉलरेंट प्लांट है। इसे आप फुल सन में रखेंगे तो भी इसको कोई नहीं है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो डेली आते हैं और डेली ख़त्म भी हो जाते हैं। मतलब इसकी फ्लावरिंग जो है सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और 12 बजे तक ये क्लोज हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पर्सलिंग। अब बात करते हैं इस प्लांट की। ये प्लांट आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी शो किया था, जिससे मैंने, मेरे पास कोचियास बहुत लगे हैं। इस प्लांट का नाम वैसे कोचिया है, कोचियास बहुत लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हेज़ वाला लुक देता है। ये पॉट में लगने के बाद एक पूरा एक राउंड सा, या फिर आप कह दीजिए जो अंडे का शेप होता है, एग का शेप जो होता है, अंडाकार शेप हो जाता है इसका। ऐसे ये ऐसे पूरा मतलब ग्रो हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे किसी प्लांट की हमने कटिंग करके उसको शेप दिया हो, पर इसको शेप नहीं देनी पड़ती, ये ग्रो करता जाएगा और खुद ही शेप लेता जाएगा। ये भी समर्स का बहुत अच्छा प्लांट है, हीट टॉलरेंट है, ये पूरे दिन की धूप सह सकता है। मेरे पहले भी लगे हुए हैं पर मुझे और चाहिए तो मैं और लेके आया हूँ। मैंने दिखाने के लिए रखा है, इसके मेरे पास 4-5 और पौधे रखे हुए हैं। बाकी जो सनफ्लावर हैं पर्सनली मैं एक एक लेके आया, क्योंकि मैं इन प्लांट्स में से इनकी कटिंग कर करके ढेर सारे बना लूँगा, मैं थोड़ा कटिंग लगाने में एक्सपर्ट हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट की हम बात करते हैं, वो ये है, ये देखिए इसके फ्लावर देखिए, ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, मैं आपको दिखाती हूँ ज़ूम करके। इसमें भी आपको काफ़ी सारे शेड्स और काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। इसका एक, इसकी एक देसी वैरायटी जो आती है उसका तो कह सकते हैं एक पेड़ सा बन जाता है, काफ़ी बड़ी झाड़ सी बन जाती है। उसमें काफ़ी कलर के फूल आते हैं, येलो, पिंक, रेड, वाइट, ग्रीन कलर के। लेकिन जो ये मेरे पास ये दूसरी, ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये हाइब्रिड वाला है, ये झाड़ नहीं बनता, छोटा प्लांट ही रहता है, बुशी हो जाता है, पूरे गमले को कवर कर लेता है। और इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, जैसे ये मेरे पास जो है इसके अंदर ऑरेंज है, और यही जो फ्लावर है बाद में थोड़े दिन पुराने जाते तो रेड कलर में चेंज होते हैं। और इसी की एक जो दूसरी कलर की वैरायटी आती है वो लाइट येलो एंड डार्क येलो की आती है, बीच में लाइट येलो होता है और साइड साइड में उसके डार्क येलो होता है। इसमें देखिए बीच में आपको ऑरेंज और साइड साइड में रेड रेड सा दिख रहा होगा। ये भी थोड़ा धूप की वजह से झुलस सा गया, क्योंकि कल मैं थोड़ा पानी देना इसे भूल गया था, तो ये थोड़े जल से गए हैं, पर कोई बात नहीं, ये कुछ ही दिनों में सही हो जाएंगे। और इसकी बा इसके नाम की बात करें तो, एक मिनट आपको बताता हूँ,